कोई चैनल ओपन कर लूँगी, लेकिन ये चैनल शायद मैं धीरे धीरे बंद कर दूँगी, क्योंकि अब मुझे लग रहा है कि ये चैनल कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो आप भी ऐसा मत कीजिए, ये मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है। और हाँ, उन टेक क्रिएटर्स के जो यूट्यूबर्स है, टेक यूट्यूबर्स, उनको भी मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप लोग भी ऐसे लालच मत दिखाइए। बहुत सारे रास्ते हैं मेहनत करने के लिए, कहिए, बहुत सारे ऑप्शंस हैं वो करने के लिए कहिए, लेकिन सब फॉर सब करने के लिए कभी मत कहिए, प्लीज़। आप एक नए यूट्यूबर्स को आगे बढ़ने में मदद नहीं कर रहे हो, आप एक यूट्यूबर्स को आगे बढ़ने के लिए रोक रहे हो आप खुद के लिए। आप भी जानते हो कि ये सब्सक्राइबर परमानेंट नहीं है ये। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। फ्रेंड्स, आज मैं कोई व्लॉग शेयर नहीं करूँगी, आज मैं एक मेरी जो एक्सपीरियंस है यूट्यूब के चलते, मैं जब से YouTube चैनल बनाई हूँ और जब से काम कर रही हूँ, कैसे काम कर रही हूँ, बीच में बहुत सारा गैप है मेरा, ये मेरी जो है एक बैड साइड है जो बीच में बहुत सारा गैप पड़ जाता है। इसीलिए गैप पड़ता है क्योंकि मैं ना बहुत जल्दी डीमोटिवेट हो जाती हूँ, बहुत जल्दी जो है मेरा होप में, मैं जो ड्रीम देखती हूँ, जो मैं आशा करती हूँ, उससे मैं ऊब जाती हूँ कि नहीं, शायद मुझसे नहीं होगा, चलो छोड़ देती हूँ। ऐसा कुछ होता है मेरे साथ, पता नहीं क्यों, लेकिन हाँ ये एक नेगेटिव साइड है, किसी को ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन हाँ मुझे है। और इस बार जो हुआ है मेरे साथ, बहुत सारे जो YouTube टेक जो क्रिएटर्स है, टेक वीडियो जो बनाते हैं, YouTube के रिलेटेड जो वीडियोस बनाते हैं जो यूट्यूबर्स, वो उनमें से बहुत सारे यूट्यूबर्स ऐसे हैं जिनका मैं नाम नहीं लूँगी, लेकिन हाँ वो लोग अगर मेरी वीडियो देखेंगे तो उनको पता चल जाएगा कि वो लोग एक तरह से नए क्रिएटर्स को, नए यूट्यूबर्स को मिसगाइड करते हैं। किस तरह से, देखिए, जब कोई नया चैनल क्रिएट करता है, यूट्यूब में वीडियो डालना स्टार्ट करता है, तो उसका फर्स्ट जो गोल होता है कि वो कैसे अपना 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का जो उनका वॉच टाइम है वो कैसे पूरा करेगा। तो इसके चलते वो इतना जल्दी करते हैं कि जल्दी जल्दी मेरा हो जाए, कब मेरा चैनल मोनेटाइज होगा, कब मुझे यूट्यूब से पेमेंट मिलेगा, कब मेरा कोई वीडियो वायरल होगा। तो इसके लिए वो लोग अपने रिलेटिव्स में, अपने दोस्तों के साथ, अपने फेसबुक ग्रुप में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में अपना वीडियो शेयर करते रहते हैं। इससे उसका कुछ हद तक नुकसान होता है, कुछ हद तक फ़ायदा भी होता है। और एक चीज़ जो वो लोग मिसगाइड करते हैं, जैसे कि हम लोग चाहते हैं कि जल्दी जल्दी कैसे हमारा वॉच टाइम पूरा हो जाए, जल्दी जल्दी कैसे हमारा सब्सक्राइबर पूरा हो जाए। वॉच टाइम तो पूरा हो जाएगा ही अगर आपका सब्सक्राइबर पूरा हो जाता है, तो वॉच टाइम उतना मैटर नहीं करता जितना मैटर सब्सक्राइबर करता है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वीडियो तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। कमेंट्स भी वैसा ही है, लोग वीडियोस देखते हैं, कमेंट्स नहीं करते हैं। और आजकल तो ऐसा हुआ है कि लोग शायद मैं बोल रही हूँ कि शायद अच्छा कमेंट्स करना भूल चुके हैं लोग ना, पता नहीं क्यों दूसरे को नीचा दिखाने में, दूसरे को कुछ हद तक ऐसा होता है कि तुम ये कर रही हो, तुमसे ये नहीं होगा, ऐसा कुछ करने में ना लोग बहुत बिजी हो जाते हैं कि हम कैसे दूसरे को नीचा दिखाएं, उसको ऐसे कुछ बात करेंगे कि वो डीमोटिवेट हो जाए और वो अपना काम छोड़ दे जो उसका पसंदीदा हो। वैसे घर के लोग भी करते हैं, बाहर के लोग भी करते हैं, एक तो बात वो है। और जो है कि वो लोग कहते हैं कि गूगल एडसेंस से अगर आपके पास पैसा है, अगर आप एफोर्ड कर सकते हो, तो आप गूगल एडसेंस में अपना वीडियो डालो, वहाँ पे ऐड चला के अपने वीडियो को प्रमोट कर सकते हो। भाई सबके पास नहीं होता है, हम लोग जो छोटे छोटे घरों से, घर की औरतें हैं जो हाउसवाइफ हैं, जब वो लोग एक चैनल क्रिएट करते हैं तो उसका सबसे बड़ा जो पूंजी है वो है उसका होप कि हम आगे बढ़ेंगे दूसरों की तरह।
किसी को देखकर हम आगे आते हैं और उसी की सोच हम लोग अपने दिमाग में बिठा के रखते हैं कि एक दिन मुझे भी उस जगह पे पहुंचना है। तो पैसा हमारे पास नहीं है, कई सारे क्रिएटर्स ऐसे करते हैं कि वो पैसे लेकर किसी का चैनल मोनेटाइज करते हैं, मोनेटाइज नहीं, पैसे लेकर किसी का प्रोमोट करते हैं, चैनल को प्रोमोट करते हैं, और सुपर चैट वैट ये सब भी होते हैं, पैसे एक तरह से वो पैसा लेकर ही किसी को प्रोमोट करते हैं पैसे देने की। मुझे तो उतनी मेरी तो औकात नहीं है कि मैं किसी को पैसे, चाहे वो 50 हो या 100-150 ही हो, नहीं है मेरे पास कि मैं किसी को पैसे देकर अपना चैनल प्रमोट करवाऊँ, नहीं है। हाँ, मैंने भी किसी क्रिएटर्स को, किसी यूट्यूबर्स को बहुत मैसेज करती थी कि भैया प्लीज़, के दीदी जी प्लीज़ मेरे चैनल को भी देखिए, एक बार आके विज़िट कीजिए मेरे चैनल को, अच्छा लगे तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट भी कीजिए, लेकिन नहीं होता। वो लोग ज़्यादातर उन्हीं लोगों को प्रमोट करते हैं जो पैसे देते हैं। मैंने वो होप भी छोड़ दिया है, लेकिन मुझे जो सबसे बड़ी, जो एक क्या कहे उसे बंगाली में कहते हैं, आघात लगा, मतलब झटका एक लगा, एक मैं क्रिएटर की, टेक क्रिएटर की, मैं यूट्यूबर की, मैं वीडियो देख रही थी एक दिन, उसने बताया, मुझसे भी छोटा है वो लड़का है, नाम मैं उसका नहीं बताऊंगी, बहुत भर के उसमें व्यूज़ है, लाइक्स है। तो मैंने सोचा कि इसके वीडियो में क्या है, इसने क्या ऐसा ट्रिक्स बताया कि जिससे सब्सक्राइबर आपको मिल जाएगा। तो मैंने उसको वीडियो वॉच किया, तो उसने कहा कि ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, जो सब फॉर सब करते हैं, मतलब आप उनके चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो वो भी आपके चैनल को सब्सक्राइब करेगा। तो ऐसे ग्रुप्स होते हैं जहाँ पे हम लोग ज्वाइन करके सब फॉर सब कर सकते हैं। तो मेरे मन में फिर एक आशा की उम्मीद जगी थी, दिया जला था आशा की। तो मैंने वो ग्रुप सर्च करके फेसबुक में, बहुत सारे ग्रुप्स हैं ऐसे, बहुत सारे, मैंने सर्च करके जो मुझे अच्छा लगा उस ग्रुप में मैंने ज्वाइन किया, और मैंने भी एक पोस्ट डाली कि मुझे भी सब फॉर सब करना है। तो बहुत सारे मुझे मैसेज आए, कमेंट्स आए कि आप इनबॉक्स में कमेंट्स करो, हम आपको 10 सब्सक्राइबर देंगे, आप भी मुझे 10 सब्सक्राइबर दो, 5 देंगे 5 दो, 3 देंगे 3 दो, नहीं है मेरे पास उतना, जो ईमेल अकाउंट मेरे पास नहीं है, मेरे पास दो ही ईमेल अकाउंट है, एक से मेरा फेस जो ऑफिशियल काज है वो काम है वो चलता है, दूसरा जिससे मेरा यूट्यूब चलता है, तो मेरे पास दो ही अकाउंट है। तो दोनों अकाउंट से मैं, जिससे यूट्यूब चलाती हूँ उसी अकाउंट से मैं आपको सब्सक्राइब कर सकती हूँ, दूसरे से नहीं कर सकती। तो ऐसे एक एक करके, तो उससे पहले मेरे पास 370 सब्सक्राइबर थे, 3 साल में, मैंने बीच में 2 साल ड्रॉप कर दी थी मैक्सिमम, हाँ 1.5 से 2 साल तक मैंने काम बिल्कुल भी नहीं किया, घर में बहुत सारे इश्यूज थे, फिर किसी दिन मैं बताऊंगी आप लोगों को, तो ड्रॉप कर दी थी। तो उसमें से मुझे 370 सब्सक्राइबर मिले थे, फिर सब फॉर सब करके मुझे टोटल मेरे 500 सब्सक्राइबर बने। तो जब मुझे टोटल 500 सब्सक्राइबर मेरा कंप्लीट हो गया, तो मैं बहुत खुश हुई थी, मैं उस खुशी में एक वीडियो भी बना डाली थी और पोस्ट भी कर दिया था कि मुझे 500 सब्सक्राइब मिल गया है। और सबसे बड़ी जो मेरे दिमाग में चल रहा था, मेरे मन में चल रहा था कि मुझे 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गया है मेरा, और मुझे अब कम्युनिटी टैग जो एक सुविधा होती है यूट्यूब की, कि आप अपने पोस्ट को कम्युनिटी टैग में भी पोस्ट कर सकते हो वीडियो को, तो वो मुझे मिलेगा, ये मुझे, मेरा बहुत, मेरे लिए एक बहुत बड़ी खुशी की बात थी कि अब मुझे ये मिलने वाला है। तो कुछ दिन जब मैंने पोस्ट डाली,
वीडियो बना के कि मेरा 500 सब्सक्राइबर हो गया है, उसी दिन मुझे रात में एक एजेड गार्डियन टाइप का जो होते हैं ना, जिनको एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा होते हैं, उसी ग्रुप का मुझे मैसेज किया है कि ऐसे बहुत अच्छा उन्होंने मैसेज किया। मैं बहुत खुश हुई उनके मैसेज पाके कि बेटी आप काम करके सब्सक्राइबर बनाओ, यहाँ से आप सब्सक्राइबर लोगे आज, कल आपका सब्सक्राइबर नहीं रहेगा, आपका जो चैनल है उस पर बुरा असर पड़ेगा, आपका चैनल कभी भी आगे नहीं जाएगा, मोनेटाइज भी नहीं होगा अगर आपके साथ ऐसा चलेगा, तो आप मेहनत करके वीडियो में क्वालिटी अच्छा करके आप सब्सक्राइबर बनाओ, ऐसे सब्सक्राइबर के ऊपर भरोसा मत करो। तो ठीक उनके मैसेज आने के 2 दिन बाद मैंने देखा कि मेरे जो सब्सक्राइबर 500 थे वो सब्सक्राइबर एकदम धड़ाम से आके 374 में रुक गया। मुझे वहाँ से सिर्फ 2 जेन्युइन सब्सक्राइबर मिली है और बाकी अलग से सब्सक्राइबर मुझे मिली है। बाकी जो सब्सक्राइबर मुझे वहाँ से मिले थे 500 से, मेरा सब्सक्राइबर एकदम 374 में आके गिरा। तो सोचिए ये कितना बड़ा एक झटका है एक चैनल के लिए। तो मैंने होप छोड़ दी है कि मेरे चैनल अभी आगे कभी ग्रो नहीं करेगा, तो उस वजह से मैंने अब वीडियो डालना भी बहुत थोड़ा कम कर दिया है, बहुत ही कम कर दिया। थोड़ा बहुत कभी अगर कुछ अच्छा नहीं लग रहा है या कभी कुछ घर में कुछ बना लिया या कहीं गई हूँ घूमने के लिए तो उस बारे में वीडियो डाल देती हूँ, बाकी जो व्लॉग है जो गार्डनिंग है वो सब मैं अभी नहीं डाल रही हूँ। पता नहीं मेरे ये वाले वीडियो भी कितने लोगों के पास जाएंगे, क्योंकि मेरा जो वीडियो है वो लोगों के पास जाता ही नहीं, तो इसी वजह से मैं अब धीरे धीरे अपना चैनल भी बंद कर दूंगी। लेकिन आप लोगों को एक बात मैं कह के जाना चाहती हूँ कि अगर आप लोग सब फॉर सब करके सब्सक्राइबर पाना चाहते हो तो प्लीज़ कभी मत करो, उससे बुरा असर होता है, आपका चैनल ख़राब हो जाएगा, आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। मेहनत करो, सब्सक्राइबर अपने आप आएगा, 1 साल में नहीं 2 साल में आएगा, 2 साल में नहीं 3 साल में आएगा, लेकिन आएगा, वो जेन्युइन होगा, आपके वीडियो देखेगा, आपके वीडियो वो पूरा देखेगा जो खुद से आपका चैनल इंटरेस्टेड होके सब्सक्राइब करेगा। जो इंटरेस्टेड नहीं होके बाई प्रेशर आपका चैनल सब्सक्राइब करता है अपने स्वार्थ के लिए, वो आपके वीडियोस नहीं देखेंगे, वो आपके परमानेंट सब्सक्राइबर नहीं है। तो ऐसा मत कीजिए, मैं तो कुछ और कर लूँगी या कुछ और चैनल क्रिएट कर लूँगी, अभी सोचा नहीं, बाद में अगर कुछ ऐसा मन हुआ तो दूसरा कोई चैनल ओपन कर लूँगी, लेकिन ये चैनल शायद मैं धीरे धीरे बंद कर दूँगी, क्योंकि अब मुझे लग रहा है कि ये चैनल कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो आप भी ऐसा मत कीजिए, ये मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है। और हाँ, उन टेक क्रिएटर्स के जो यूट्यूबर्स है, टेक यूट्यूबर्स, उनको भी मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप लोग भी ऐसे लालच मत दिखाइए। बहुत सारे रास्ते हैं मेहनत करने के लिए, कहिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं वो करने के लिए कहिए, लेकिन सब फॉर सब करने के लिए कभी मत कहिए प्लीज़। आप एक नए यूट्यूबर्स को आगे बढ़ने में मदद नहीं कर रहे हो, आप एक यूट्यूबर्स को आगे बढ़ने के लिए रोक रहे हो आप खुद के लिए। आप भी जानते हो कि ये सब्सक्राइबर परमानेंट नहीं है, ये सब्सक्राइबर जब अनसब्सक्राइब करेगा तो एक चैनल के लिए कितना बुरा असर होता है। आप नहीं चाहते हो कि वो यूट्यूबर्स आगे नहीं बढ़े, आप लोग शायद ये समझते हो कि अगर कोई नया यूट्यूबर आ जाएगा तो आप लोगों की वीडियोस में व्यूज़ कम आएंगे। अरे भाई, कोई किसी का नहीं खाता है, सब कोई अपना अपना ही खाता है, भगवान ने सबके लिए अलग अलग सा बना के ही भेजा है,
आपकी जितनी हक है आपको उतना ही मिलेगा, आप किसी के हक मार के अपना पेट नहीं पाल सकते हो। तो प्लीज़ ऐसा गलत इन्फॉर्मेशन, गलत नहीं ऐसा रॉन्ग इन्फॉर्मेशन किसी को मत दो। सब फॉर सब करने के लिए किसी को मत कहो। आप किसी को आगे बढ़ने से ऐसे चालाकी से रोक रहे हो, ये बात आप लोग समझ लो। आप लोग चालाकी से रोक रहे हो क्योंकि आपको भी पता है कि ऐसे कोई आगे नहीं बढ़ पाएगा। अगर आप सच में चाहते हो कि कोई आगे बढ़े तो उसको सपोर्ट करो, उसकी मैसेज देखो कि वो बंदा या वो बंदी आपको क्या लिख रही है, क्या एक्सप्लेन करना चाहती है, क्या सच में उसकी ज़रूरत है या नहीं। नहीं है आपके पास टाइम तो मत करो ये सब फालतू बकवास की वीडियोस के सब फॉर सब करके आप लोग सब्सक्राइबर गेन कर लो, नहीं होता है। थैंक यू एंड सॉरी अगर किसी को बुरा लगा है तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, लेकिन ये सच है। जिनको पता है वो जानते हैं कि ये एकदम सच बात है, और वैसे ही बुरा लगने के लिए सॉरी। किसी को अगर बुरा लगा है मेरे बात तो सॉरी। हाँ अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को, इसको लाइक कर देना। और अगर आप लोगों को गालियाँ बकनी है, अच्छी बातें करनी है, कुछ भी कहनी है, कह भी डाल सकते हो, कह भी सकते हो आप लोग कुछ भी, क्योंकि लोग अच्छी बातें कम करते हैं, ख़राब बातें ज़्यादा करते हैं। कुछ भी आपके माइंड में हो तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। और सब फॉर सब मत कीजिए। नए यूट्यूबर्स जो आगे बढ़ना चाहते हो, जो मेरे तरह बहुत सारे होप्स लेकर आए हो, वो सब फॉर सब में मत जाओ। थैंक यू, लव यू ऑल, बाय।